हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टनर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर। जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्लास आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें आपकी जो न्यूज डिस्कस करी जाएंगी वो सप्ताह की न्यूज डिस्कस करी जाएंगी, और डेट आपके सामने दे रखी है 28 मार्च से 3 अप्रैल रिपीट जो आपकी न्यूज रही है उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं देरी ना करते हुए। आपका क्वेश्चन पहला है कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य सबसे पहले सॉरी पहले स्थान पर है। देखिए, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो पहला स्थान जो हमारा सही आंसर तो हमारा क्या है, गुजरात है। ठीक है, सही आंसर तो हमारा क्या है, गुजरात है। ठीक है, ये हमारा पहले स्थान पर है। ओके, अच्छा इसमें क्या हुआ था, जो तत्परता सूचकांक निर्यात जो एक्सपोर्ट था इसमें 5 राज्य थे। तो पहला तो आपका गुजरात था, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका रहा था महाराष्ट्र रहा था, तीसरे नंबर पर आपका रहा था कर्नाटक, और चौथे नंबर पर रहा था आपका तमिलनाडु, और पांचवें नंबर पर रहा था आपका हरियाणा। ठीक है, तो ये 5 राज्य थे, इनको आप याद रखेंगे। जो पहले नंबर पर था वो आपका गुजरात था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। किसने, पर्यावरण मंत्रालय ने, याद रखेंगे किसने, पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को, डेट आपको याद रखेंगे 5 अक्टूबर। ठीक है, ये जो दिन मनाया जाएगा ये मनाया जाएगा आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दिवस नेशनल डॉल्फिन डे। कब मनाया जाएगा, 5 अक्टूबर को, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके साथ साथ ये किसने घोषणा किया, ये करी आपकी पर्यावरण मंत्रालय ने, ये आपको ऑलरेडी पहले गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये इसके साथ साथ ये कब से, 2022 से हर साल मनाया जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत इसकी कब से हुई है, 2022 से शुरुआत हुई है और 5 अक्टूबर से मनाया जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपका, मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से निम्न में से किसे कंपनी का नया सीईओ एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है। तो कौन, सीईओ एंड एमडी किसके, मारुति सुजुकी के, मारुति सुजुकी इसके एमडी सीईओ एंड एमडी। तो ये जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं इनकी जो घोषणा हुई है, ये घोषणा किसके लिए हुई है। आपके ऑप्शन है साइचिरो होंडा, हिसासी ताकेची, युसाकु मेजावा, शिगेरु मियामोती। तो आपके ऑप्शन के 4 हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से हैं जिन्होंने ये पद ग्रहण किया है। तो सही आंसर आपका है हिसासी ताकेची। ठीक है, अच्छा आपको ये आंसर तो मिल गया कि हिसासी ताकेची हैं। इसको एक बात और याद रखना है, इसमें बात ये याद रखनी है कि इससे पहले कौन था यहाँ। तो इससे जो पहले था इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, इनसे पहले इन्होंने रिप्लेस करा है निची आयुकावा। ठीक है, इनको इन्होंने रिप्लेस, इनकी जगह पर अब कौन है, हिसासी ताकेची, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत के विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया। किसने, किसने लगाया, संयुक्त राष्ट्र ने। तो वित्त वर्ष कौन सा, 2021 और 22 के लिए जो विकास दर है भारत की वो कितने प्रतिशत है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए आपकी जो इन्होंने दर बताई है वो 4.6% दर है, कहाँ 6.7% से कितनी बताई है, 4.67% आप विकास की जो दर है वो रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट, याद क्या रखना है, मेडेलिन अल्ब्राइट 84 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो इन क्या है, पास्ट अवे हुई, इनकी निधन हुआ है, ये कहाँ की हैं, मतलब कहाँ की थी,
एक तो याद रखें कौन, ये पहली महिला विदेश मंत्री हैं, नाम इनका मैडलिन अल्ब्राइट है, ये कहाँ की हैं, तो ये हैं आपकी अमेरिका की, याद रखेंगे। ये फर्स्ट लेडी फॉरेन मिनिस्टर जो कौन सी हैं वो, फर्स्ट लेडी फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका की हैं ये, नाम इनका मैडलिन अल्ब्राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस्म आई यस आइसलैंड में, ठीक है, अबू धाबी में है, ठीक है। अब अभिनेता है उनका ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया, तो यह रणवीर सिंह को क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका, यस आइलैंड का, ठीक है। कहाँ है ये, अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल खिताब जीत लिया है। देखिए ये जो खिताब जीता है किसने जीता है, ये जीता है पीवी सिंधु ने, ठीक है। पीवी सिंधु कौन है, ये बैडमिंटन प्लेयर है। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है कि जो प्लेयर हैं ये प्लेयर किस चीज के हैं, ये है बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। और ये हैं कहाँ से, जो पीवी सिंधु हैं ये आपके हैदराबाद से हैं, ठीक है। कहाँ से हैं, हैदराबाद से। अगला क्वेश्चन, किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। देखिए सीएम कहाँ के, गोवा, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कभी पढ़े ही नहीं आपने। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है, प्रमोद सावंत, तो ये दूसरी बार क्या बने हैं, सीएम बने हैं, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, गवर्नर है यहाँ के पी एस श्रीधरन पिल्लई, यहाँ के क्या है, गवर्नर आपको मिल गए। और आपके जो सीएम है, सीएम कौन है, ये प्रमोद सावंत, तो आपको याद रखना है कि प्रमोद सावंत अपने सीएम है दूसरी बार गोवा के, और गवर्नर जो बने हैं फिलहाल वो है पी एस श्रीधर पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किससे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किसको पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था मारुति सुजुकी, और अब पढ़ रहे हैं हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कौन सी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले वर्ष 5 वर्ष के लिए, तो इन्होंने जो नियुक्त किए हैं ये किए हैं राजेश गोपीनाथन, ठीक है। सही आंसर कौन सा हमारा, राजेश गोपीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भेल के बोर्ड में निम्न में से किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिया है, विद्युत, ये जो है विद्युत है, विद्युत नहीं है, विद्युत है, ठीक है, पद जो है इन्होंने ग्रहण कर लिया है, तो ये हैं उपिंदर मथारू। सही आंसर आपका क्या है, उपिंदर मथारू। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट रैंकिंग, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर वन ऑलराउंडर बन गया है, तो भारतीय खिलाड़ी ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर में जो नाम आ रहा है अभी इंडिया के प्लेयर हैं वो हैं रविंद्र जडेजा, किस माना है, ये ऑलराउंडर में इनका नाम आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है, ये आपका दिल्ली, क्या है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो यह है आपकी दिल्ली, क्या है, वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड है, क्या है, वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड, वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड, क्या
है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त जो किए गए हैं, ये किए गए हैं आपके दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया? भारत की किस महिला, यानी कि ये इकोनॉमिस्ट है, यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है इनको? क्या गीता गोपीनाथ है? नहीं। बीना अग्रवाल है? नहीं। देवकी जैन है? नहीं। तो आपका सही आंसर बनता है आपका ज्योति घोष। ये जो ज्योति घोष हैं, ये कहाँ की हैं, कहाँ की है? ये भारतीय हैं। क्या है? ये भारतीय हैं। ठीक है, ज्योति घोष, ज्योति नहीं, ज्योति घोष है। ठीक है, ये जो यूएन है यानी कि यूनाइटेड नेशन है, इसके जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल, जो महासचिव जो बोलते हैं इनको, या सेक्रेटरी जनरल, कभी कभी पूछ लेता है कि यूएन की सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो ACC, ये ICC नहीं है, ये आपका गलत है, ICC नहीं है, ACC है, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल। क्या है? ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियाई क्रिकेट परिषद। इनके जो अध्यक्ष हैं जैसा है, इनका जो कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया है वो कितने साल के बढ़ा दिया गया है? वो 1 साल के लिए टेन्योर इनका बढ़ा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में नेपाल के नए राजदूत के किस रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? भारत में नेपाल के नए राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? शंकर प्रसाद शर्मा, दीपक त्यागी, प्रमोद मल्होत्रा, राहुल अग्निहोत्री। तो ये किया गया है डॉक्टर शंकर प्रसाद को। तो सही आंसर आपका क्या है? शंकर प्रसाद। अच्छा, ये जो शंकर प्रसाद शर्मा है, ये कौन है? ये आपके इकोनॉमिस्ट हैं। कहाँ के हैं? ये नेपाल के हैं। ठीक है, कहाँ के? नेपाल के हैं। अच्छा, नेपाल में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, जो नेपाल के फिलहाल प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट कौन है? नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं अभी, वो हैं विद्या देवी भंडारी। ठीक है, कौन है? विद्या देवी भंडारी, फीमेल है ये। ठीक है, क्या है? फीमेल। अच्छा, इसके बाद आप पीएम की बात करें, तो पीएम है यहाँ शेर बहादुर देवगा। ठीक है, शेर बहादुर देवगा यहाँ के क्या है? पीएम। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है आपका 30 मार्च को। ठीक है, तो कब मनाया जाता है आपका? 30 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ और किस देश ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण, ये आप याद रखेंगे, सीमा पार डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु उनके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है? ये घोषणा किसने किया? ये घोषणा किया है अमेरिका ने। किसने घोषणा किया? अमेरिका ने अनाउंस किया है, जो सीमा पार जो डाटा उनको जो ट्रांसफर करने का जो नया ढांचा बनाया है, उनके पास एक क्या है, एग्रीमेंट है उसके लिए। तो किस किस के पास है? अमेरिका का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? PMGKY यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है,
इनकी कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है, PMGKY की फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस क्या है फुल फॉर्म है ये, ठीक है। अच्छा अब ये जो टेन्योर बढ़ाई है, मतलब इसकी जो अवधि बढ़ा दी गई, ये बढ़ी है अभी 6 महीने के लिए। एक तो याद रखें, ये शुरू कब हुआ था, ये शुरू हुआ था COVID-19 में, शुरुआत की गई थी इस योजना की 2020, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड थिएटर दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है, तो ये जो डे मनाया जाता है आपको, मनाया जाता है 27 मार्च को। देखिए जो डेज हैं आपको एक क्लास में कवर करा दिए जाएंगे, जो मार्च के सारे डेज हैं वो आपको एक क्लास आपको मिल जाएगी उसकी डेज की, उसमें थीम होंगी, डेट होगी और डेज का नाम होगा, वो क्लास आपको अवेलेबल करा दी जाएगी जल्दी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने फाशोंग वाशोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का ICBM का परीक्षण किया है, ठीक है। नाम क्या है, फाशोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो परीक्षण किया है, ये परीक्षण किसने किया है, ये परीक्षण हुआ है आपका उत्तर कोरिया। सही आंसर आपका क्या है, उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन है, गिलबर्ट एफ होंगबो, गिलबर्ट एफ होंगबो का हाल ही में किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो इनको किसी महानिदेशक के रूप में चुना गया है, 11वें महानिदेशक, तो कौन सा जो संगठन है वो कौन सा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है क्या, ADB, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, ये क्या है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका ILO, इनके जो महानिदेशक चुने गए हैं ये कौन, सही आंसर आपका कौन सा बनता है, ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गिलबर्ट एफ होंगबो को चुना गया है। अच्छा इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि ILO का हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर जो इसका यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। फाउंड जो हुआ था इसका, जो फाउंडेड हुआ था, ये फाउंडेड है आपकी 1999, मतलब 1919 में इसका फाउंडेशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, असम और किस राज्य के बीच, मतलब दो राज्य असम और एक राज्य और था जिसमें 50 साल से बाउंड्री पर झगड़ा चल रहा था, तो ये जो झगड़ा चल रहा था किस और दूसरे राज्य के साथ चल रहा था, वो चल रहा था मेघालय के साथ। इसमें क्या था कि 12 सीमा विवाद थे जिसमें 6 एक चरण में और 6 एक चरण में आपको सुलझा दिए गए, गृह मंत्री अमित शाह गए, अमित शाह ने जो सुलझाए हैं, ये सॉल्यूशन हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH, याद रखना है RBIH, रिनोवेशन सॉरी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसका जो उद्घाटन हुआ है वो उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है, पटना बिहार में होता है, बेंगलुरु कर्नाटक में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, तो कौन से शहर में क्या किया गया है। देखिए इसका जो किया गया है उद्घाटन वो किया गया है बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावित कितने राज्यों को अमाउंट दे रखी है आपको, 1887.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की, मतलब इनको सहायता दी है कितने राज्यों को, ये राज्य जो थे ये 5 राज्य थे, तो आपका सही आंसर कौन सा है, 5 राज्य। अब सर एक आप पूछोगे, एक और डाउट होगा आपका, ये 5 राज्य कौन कौन से थे, जो हम जो पहला पढ़ रहे हैं वो आपका पहला, आपका जो राज्य है वो राज्य आपका बिहार है, ठीक है। दूसरा 5 बताए थे, दूसरा हमारा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका राजस्थान,
आपका सिक्किम, ठीक है, और पांचवा आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आपके पांच राज्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुरक्षा मामलों को कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3887, अमाउंट याद रखेंगे 3887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ए सॉरी LCH को खरीद की मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए। चलिए देखिए, तो अब जो हाल ही में जो मंजूरी मिली है, इनको जो मंजूरी मिली है, ये जो आपके जो लड़ाकू विमान है LCH, ये है आपके 15, यानी कि 15 आपको मंजूरी मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने हाल में केंद्रीय कर्मियों को पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता यानी DA, DNS अलाउंसेस, DA की फुल फॉर्म अगर आप बोलेंगे तो DNS अलाउंसेस, कितने प्रतिशत की वृद्धि करी है महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की, ये आपका 3%, ठीक है, तो आपको याद रखना है कितने परसेंट, 3% की इंक्रीजमेंट की। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है, क्या किया है, नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के, मतलब रूस और चीन जो है अभी क्या है कि हाल ही में उनका प्रभाव बढ़ रहा है, तो इन्होंने अब क्या करा है, स्थापना करी है एक एजेंसी की, इसमें आप क्या है कि आप एक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो देश है आपका, ये देश है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहभागीदारी भागीदारी समझौता सीपा का अंतिम रूप दिया गया है। पहले हम पढ़ते हैं सीपा है क्या, सीपा की फुल फॉर्म पढ़ते हैं, तो जो सीपा है, सीपा को हम पढ़ेंगे C4, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, E4 इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, P4 पार्टनरशिप, ठीक है, और A4 एग्रीमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सी पर क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ये UAE और एक दूसरे देश के साथ जो समझौता हुआ है, ये दूसरा जो देश है वो आपका प्यारा देश भारत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक, देखो याद रखने वाली चीज है, माइक्रो प्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है, यानी कि जो शोधकर्ता है वो कौन से देश हैं जिन्होंने ये पता लगाया है कि मानव के रक्त में, यानी कि ह्यूमन जो ब्लड है उसमें माइक्रोप्लास्टिक है, वो क्या है, माइक्रोप्लास्टिक है, तो ये कौन से देश के हैं, ये आपका जो देश है जो शोधकर्ता है, ये नीदरलैंड के शोधकर्ता है,
इन्होंने पता लगाया कि पाप मानव ग्रह में प्लास्टिक नामक एक प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड IL&FS, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एल फॉर लीजिंग और एफ फॉर फाइनेंसिंग, फाइनेंस और फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो IL&FS के जो अध्यक्ष हैं वह आपके CS राजन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी है? तो इसका जो आंसर है 52 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में AFSPA अफ्सा, क्या AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि AFSPA है क्या, AFSPA अफ्सा, ठीक है। तो ये है आपका, इसके फुल फॉर्म जानते हैं, ये फुल फॉर्म है इसकी आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। जो अफ्सा है यह आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, इसको कितने महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है? यह आपका 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन, एक बात और थी कि ये जो अफ्सा था, अभी यहाँ लिख के बता देते हैं, ये 1 अप्रैल से कितने 6 महीने तक, मतलब 30 सितंबर तक रहेगा अभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुड़ी पड़वा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। इस दिन को एक खास बात और भी है कि इस दिन आप हिंदू नववर्ष मनाते हैं। क्या होता है कि गुड़ी पड़वा का जो त्योहार है, इस दिन ये माना जाता है कि इस दिन हिंदुओं का नववर्ष शुरू होता है। तो ये जो गुड़ी पड़वा है कौन सा है, हिंदू नववर्ष, ये मनाया कब गया, ये मनाया गया है 2 अप्रैल को, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन से बन गए हैं? IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, तो इसमें आपके ऑप्शन है लसित मलिंगा और दूसरा है डेवन ब्रावो, ये नहीं है, ये भी नहीं है। आप इन दोनों में से आपको चूज करके बताना है कि कौन से जो वो है गेंदबाज है, बॉलर है, वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए हैं। तो सही आंसर जो इसका सही आंसर बनता है वो बनता है डेवन ब्रावो। कौन सा होता है, डेवन ब्रावो आपका सही आंसर बनता है। इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लसित मलिंगा को भी पीछे छोड़ दिया है, इनको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर, इनको पीछे छोड़ दिया लसित मलिंगा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया है? अरब सागर में 5 दिन के लिए किस देश ने, भारत के साथ हुआ है और दूसरा किसी और देश के साथ शुरू हुआ है, 5 दिन की एक्सरसाइज है, तो ये कौन सी एक्सरसाइज है? एक तो यह है नौसेना यानी कि नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवी की एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ अरब सागर में है, ये भी याद रखेंगे, अरेबियन सी में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि ये इंडिया के साथ
इंडिया और फ्रांस के साथ है, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के साथ है। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इसका जो नाम है वो नाम है इसका वरुण, वरुण एक्सरसाइज यानी कि वरुण अभ्यास, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज बताइए आपको कौन सी, वरुण, वरुण किस किसके साथ, इंडिया और फ्रांस के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, RBI, ठीक है, क्या है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर आपको पता है शक्तिकांत दास है, ठीक है, गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, ठीक है। फाउंडेशन जो हुआ था, फाउंडेशन जो डे है इसका, ये आपका 1 अप्रैल, यानी 1935 में इसको फाउंडेशन हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को फाउंडेशन हुआ, तभी से इसको हम स्थापना दिवस मनाते हैं, इसको 1 अप्रैल से, ठीक है। एक बात और याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, नहीं था, 1937 तक रहा था, मतलब 1935 से कोलकाता था पहली बार जब बना था, फाउंड हुआ था, तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर रखा गया, बट 1937 के बाद, 1937 तक था ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में पहुंच गया है अब तक, सिंस 1937 से कहाँ है, मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है आपका, हर साल निम्न में से कौन सी राज्य है, सॉरी कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, हर साल निम्न में से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, ये उत्कल दिवस मनाता है आपका उड़ीसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में बिम्सटेक, बंगाल की खाड़ी, बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, लिख लेते हैं BIMSTEC, BIMSTEC, ठीक है। अब इसकी पहले फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, बिफोर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, आई फॉर इनिशिएटिव, फॉर और एम फॉर मल्टी, एस फॉर सेक्टर, टी फॉर टेक्निकल एंड ई फॉर इकोनॉमिक और सी फॉर कॉपरेशन। फुल फॉर्म आपने जानी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, कॉपरेशन, ठीक है। हिंदी में आप अगर फुल फॉर्म है तो इसकी, बंगाल की खाड़ी, बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो बिम्सटेक है, बिम्सटेक में पूछा गया है कि जो 5वां शिखर सम्मेलन है ये कौन सा देश आयोजित करेगा, मतलब आयोजित किया था, तो ये किया था आपके श्रीलंका ने, ठीक है। जो जो सम्मेलन था ये आपका श्रीलंका ने किया था। इसके बाद एक बात और याद रखेंगे कि श्रीलंका, सॉरी, ये जो बिम्सटेक है इसका हेडक्वार्टर आपका इसका ढाका में है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि जो फाउंडेशन हुआ था इसका, इधर लिख देते हैं, जो फाउंडेशन हुआ था यानी कि फाउंडेड जो हुआ था 06 जून, मतलब 6 जून को 1997 को एक फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। ढाका मतलब आपका बांग्लादेश, ठीक
अब इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि इसमें कौन कौन से देश हैं। तो इसमें 7 मेंबर्स हैं, मतलब 7 मेंबर्स हैं इसमें बिम्स्टेक में। पहला कौन सा है? बांग्लादेश। तो वो जब क्या है? बांग्लादेश, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बांग्लादेश में। दूसरा आपका है भूटान, ठीक है। तीसरा आपका इंडिया। चौथा आपका नेपाल। पांचवा आपका श्रीलंका। इसके बाद छठा आपका म्यांमार। म्यांमार और सातवां आपका थाईलैंड, ठीक है। तो आपके जो कंट्रीज हैं इसमें सात, वो आपको याद रखनी है। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है, मतलब कौन से राज्य में किया है इन्होंने ये किया है? कब, सॉरी कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में। ये जो PMAY है इसको याद रखें, प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम था इंदिरा आवास योजना, ठीक है। आपको ये याद रखना कि इसका पुराना नाम क्या था, इंदिरा आवास योजना। ये चेंज जो हुआ है, जो नाम जो चेंज हुआ है PM प्रधानमंत्री आवास योजना, ये हुआ है 1 अप्रैल 2016 से, ठीक है, याद रखना। चलिए तो आपकी क्लास आज यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।